हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के लिए जो आपका पेपर वन होता है उसमें मैथ्स में क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे हम इस पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर वन में मैथ्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आपका है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग जितना भी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं। फिर आपका टॉपिक टू है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पर नॉर्मल से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लगभग एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिख जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग, मतलब भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं। चौथा टॉपिक जो है वो दशमलव पर आधारित प्रश्न आएंगे। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है दशमलव वाली, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक फाइव है वो एक एक नियम है। एक एक नियम पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक से दो मिल जाते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है प्रतिशत। प्रतिशत से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है दो से तीन क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, लगभग दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगला टॉपिक जो है लाभ हानि, इससे भी समझ लीजिए आपके दो या तीन भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाभ हानि और छूट से संबंधित। फिर आपका एक सीआई का क्वेश्चन जरूर, सॉरी एसआई का क्वेश्चन जरूर आता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन। ज्यामितीय आकृतियाँ कोण त्रिभुज और वृत्त है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन टॉपिक टेन है ये सिंपल सा है, धन पर आधारित, मतलब रुपए पैसे को रुपए में चेंज करना, रुपए को पैसे में चेंज करना, ऐसे सारे क्वेश्चन। फिर आपका ये 11 नंबर टॉपिक जो है वो मापन है, मीजरमेंट, मतलब मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब कुछ इसमें आपको इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फिर आपका पैरामीटर से रिलेटेड है परिमाप, जिसमें आपको त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप और चतुर्भुज का परिमाप, इस पे आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद आपका जो टॉपिक नंबर 13 है वो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक से एक लगभग क्वेश्चन आता है आपका कैलेंडर से संबंधित, आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं क्वेश्चन इसके, तो ये भी टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है। फिर आपका एक जो है स्टैटिक्स आंकड़े पे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको दे दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको उसमें से फाइंड करना होता है जो भी पूछा जाता है। फिर 15 नंबर वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वैल्यूम, धारिता, घन, घनाभ से संबंधित क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर आपका एरिया जो है वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ग और आयत से संबंधित, इसमें क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे समय सारणी पर आधारित भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपके एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सॉरी टॉपिक नंबर जो 18 है वो भी आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड है, इसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जो 19 नंबर का टॉपिक है वो है अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब इसमें कई सारे टॉपिक हैं, एक ये मैंने नॉर्मली लिख दिया है, इसमें कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो ये आपका सिलेबस है मैथ्स का पेपर वन के लिए 2021 के जो एग्ज़ाम आपका होगा लगभग अभी 25 जुलाई जो संभावित डेट है, ठीक है। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक से मिलते हैं। तो हम अपने चैनल पर आप जो है यूपी टेट 2021 के लिए मैथ्स का जो पेपर वन है उसका कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ में टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके अलावा मैंने कई सारे टॉपिक आपको जो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक से अपने चैनल पर कवर करा रखा है, जैसे कि ये आपका टॉपिक मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा प्रतिशत ये वाला, तो ये नॉर्मली आपके टॉपिक बहुत अच्छे से कराए गए हैं तीनों, ये भी कराया गया है, कई सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का सिलेबस, आपको कल से मेरे चैनल पर वीडियोस मिलने लगेंगे कंप्लीट सिलेबस के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।